मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं उसका आखिरी का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। उसमें है भौगोलिक शोध व संशोधक, मीन्स जियोग्राफिक डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरर्स, जिसमें हम 13 ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के लिए डिस्कवरीज म्हणजे भौगोलिक शोध के लिए। उसमें से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, उसमें से फर्स्ट नेम है मार्को पोलो। ये कहां से बिलोंग करने वाला था? तो मूल देश कौन सा है? तो इटली। शॉर्ट में हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वही यहाँ पे लिखे हुए, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो। मार्को पोलो, कंट्री उसकी, देश इटली। उसने विजिट कहाँ पे किया है? चीन एंड एशिया। कौन सी कंट्रीज को विजिट किया है? चीन एंड एशिया। एशिया में इंडिया में भी वो आया है, अनदर कंट्रीज में भी घुमा है। और इस टाइम उसने दो लैंग्वेज अंडरस्टैंड की। कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड की है? चीनी एंड मंगोलियन। तेने दोन भाषा शिकला है, कौन सा? चीन व मंगोलियन। और एक इम्पोर्टेंट बात, उसने कुबलाई खान जो रूलर है म्हणजे राजा है मध्य आशियातला, त्याच्या दरबाराला मीन्स रॉयल कोर्ट को उसने विजिट किया। सेकंड पर्सन है, दूसरा मानुस है इब्न बतूता। ये फेमस ट्रैवलर है, प्रसिद्ध प्रवासी, लेकिन कौन से पीरियड का? मध्ययुगीन भारत मीन्स मेडिवल पीरियड का। किस पीरियड का? मेडिवल पीरियड का। ये सबसे फेमस ट्रैवलर है इब्न बतूता, मध्ययुगीन भारतातील, सॉरी मध्ययुगीन जगातील प्रसिद्ध प्रवासी। और उसने विजिट कहाँ पे की है? इंडिया में विजिट की है, भारत, चीन, सुमात्रा एंड अफ्रीका, इतनी सारी जगहों पर इसने विजिट किए, भेंट देने का काम के लिए। उसके बाद है हेनरी द नेविगेटर, नाम ही कुछ अलग है, हेनरी द नेविगेटर। अब ये कहां से बिलोंग करने वाला था? ये पोर्तुगीज कंट्री कहां से बिलोंग करने वाला है? कौन सा देश कौन सा ऐसा? पोर्तुगीज। हाँ, पोर्तुगीजांचा राजपुत्र है कौन? हेनरी द नेविगेटर मीन्स द प्रिंस ऑफ पोर्तुगाल। और उसने क्या काम किया है? उसने मैडोरा एंड एजोरम आइसलैंड, मैडोरा एंड एजोरम बेट शोधून काढण्याचं काम कोणी केले? हेनरी द नेविगेटर ने। और उसने और एक काम किया है, उसने गुलामाचा व्यापार स्टार्ट किया है मीन्स स्लेव ट्रेडिंग स्टार्ट किए। अफ्रीका के जो लोग है उनको पकड़ के वो यूरोपियन कंट्रीज में लेके जाता था और उसका ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। किसने? मुझे गुलामाचा व्यापार हेनरी द नेविगेटर ने स्टार्ट किया है। उसके बाद है बार्थोलोग डायस। कौन है नेक्स्ट? बार्थोलोग डायस। ये नाम हमेशा याद रखना है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। उसने कुछ ऐसे रिसर्च किए है जो आपको पता है, लेकिन आपको में भी इसका नाम पता नहीं होगा, बार्थोलोग डायस। अब बार्थोलोग डायस ने क्या काम किया है? इसने साउथ अफ्रीका का जो नीचे का ऐसा पार्ट है ना, ये साउथ अफ्रीका का, इस पॉइंट तक पहुंचने वाला वो फर्स्ट यूरोपियन है बार्थोलोग डायस। और इस वजह से यहाँ पे आने के बाद उसने इस पॉइंट को नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स, म्हणजे मराठी मध्ये वादळाचं भूशीर, असं नाव कोणी दिले? बार्थोलोग डायस। बाद में वो नाम चेंज कर दिया गया और आज इस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? केप ऑफ गुड होप के नाम से, म्हणजे मराठीत आशेचं भूशीर या नावाने ओळखलं जातं। त्यानंतर पुढचा एक फेमस ट्रॅव्हलर आहे, प्रवासी आहे, क्रिस्टोफर कोलंबस। आप सभी ने नाम सुना होगा। इसने क्या काम किया है? स्पेन के रूलर, स्पेनच्या राजाच्या मदतीने तो प्रवासाला निघला। इसकी हेल्प से, स्पेन के रूलर से। वो कहां पे निकला है? इंडिया आने को निकला है, भारत देला निकला है। लेकिन उसने सोचा अगर ये समझो हमारे अर्थ है, राउंड में समझो आर्थिक, उसने समझा यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे इंडिया है, अगर मैं यहाँ से वेस्ट में मीन्स पश्चिम दिशेला जात गेलो तर सर्कल पूर्ण केलं तर मी कुठे पोहोचेल? इंडिया, युरोप मधून निघला भारतासाठी। लेकिन वो कहां पे पहुंचा है? अमेरिका। अमेरिका को विजिट करने वाला फर्स्ट पर्सन बना है क्रिस्टोफर कोलंबस। इंडिया क्यों आना चाहता था?
होता क्योंकि जो खुशकीचा मार्ग सिल्क रूट था जो बंद हुआ था उसके वजह से बायसी वो इंडिया में आना चाहता था, इसलिए वो इंडिया में निकला था लेकिन पहुंचा अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट है अमेरिको हेस्पुशी। कौन है? अमेरिको हेस्पुशी। इसने क्या काम किया है? इसने वेनेजुएला का जो एरिया है अमेरिका का वो ढूंढ के निकाला है, वेनेजुएला का एरिया ढूंढ के निकाला है। सेम टाइम अमेजॉन जो रिवर है वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर में से एक, अमेजॉन रिवर का त्रिभुज प्रदेश, अमेजॉन नदी का त्रिभुज प्रदेश आला भेट देने का काम कोणी केले पहिल्यांदा? अमेरिको हेस्पुशी। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? अमेजॉन डेल्टा एरिया। तो विजिट किसने की है? अमेरिको हेस्पुशी। और इसी के नाम के अमेरिको के नाम से अमेरिका को अमेरिका का नाम हुआ ऐसा कहा जाता है। जिस अमेरिका को अमेरिका क्यों कहते हैं इसके पीछे रीजन दिया जाता है अमेरिको हेस्पुशी। उसके बाद नेक्स्ट है वास्को द गामा। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा वास्को द गामा। हमने जब से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की है तो फर्स्ट यूरोपियन, पहला यूरोपियन मानुष जो समुद्र मार्ग के भारत आला तो कौन? वास्को द गामा के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ना है ये 1497 को 1497 भारताकडे येण्यासाठी निघाला। किसकी हेल्प से? पोर्तुगीज किंग की हेल्प। पोर्तुगाल पोर्तुगीज राजाच्या मदतीने तो भारतामध्ये येण्यास निघालाय। तो भारतात कधी पोहोचलाय? 1498 मीन्स 1498 में वो इंडिया में पहुंचा है। लेकिन आते समय डायरेक्टली पहुंचा क्या? नहीं, वो केप ऑफ गुड होप तक आया है। यहाँ पे उसने उससे कुछ इंडियन मर्चेंट मिले, भारतीय व्यापारी, उनकी हेल्प से वो बाद में इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद वो कहाँ पे आए? कालिकत पोर्ट। भारत आले तो कौन से बंदर आता आला है? पोर्ट मीन्स बंदर, कालिकत उसे कहा जाता था उस में काजी कोड़े पोर्ट। कौन सा पोर्ट था? काजी कोड़े पोर्ट। और वहां का रूलर है झामोरिन। इसकी रॉयल कोर्ट में कौन सा राजाचा दरबार गेला है? तो झामोरिन राजाचा दरबार गेला है। एंड उस टाइम झामोरिन से उसने कुछ ऐसे हेल्प ली है जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप का ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। उसने उसके बाद दो बार चार बार इंडिया में आए। फर्स्ट टाइम जब वो आया था तब उसके साथ 4 शिप थी। सेम टाइम 170 अबाउ उसके साथी थे, इतने सारे लोगों के बाद में इंडिया में आया है। इंडिया में आने के बाद उसने पोर्तुगीजों के साथ अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया इंडिया के साथ। और जब पोर्तुगीजों ने फर्स्ट टाइम अपनी कॉलोनी इंडिया में बनाई, उस कॉलोनी में जब भारतातील पोर्तुगीजांची पहली वसाहत, कॉलोनी मीन्स वसाहत जब स्टार्ट की, उसका फर्स्ट वाइसराय किसे अपॉइंट किया है? वास्को द गामा। याद रखना है 1498 कालिकत, काजीकोड़े, झामोरिन एंड फर्स्ट वाइसराय। अब इसके बाद देखना है फर्डिनेंड मैगेलन। स्पेन की स्पेन के रूलर की हेल्प से स्पेनच्या राजाच्या मदतीने निकला है। लेकिन एक क्या ढूंढने निकाला है? वो कुछ ढूंढने नहीं निकाला, उसने सिर्फ एक बात, उसे एक बात क्लियर करनी थी। क्या क्लियर करती थी? जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो राउंड है, गोल है। पृथ्वी अपनी गोल आए, अर्थ हमारी राउंड है। वो क्लियर करने के लिए वो स्पेन के रूलर की हेल्प से, स्पेनच्या राजाच्या मदतीने कुठे निघाला? पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघालेला आहे। त्याला म्हणायचं सर्क्युमिनेशन। पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघाला म्हणजे सर्क्युमिनेशनला निघाला। निकलने के बाद, कुछ दूरी होने के बाद फिलिपाइंस में जब वो आता है, फिलिपाइंस में आने के बाद उसका एक छोटा सा वॉर होता है। उस वॉर में उसकी डेथ आए हो तो मृत्यु हो तो कुछ मृत्यु हो तो फिलिपाइंस मध्ये याचा मृत्यु होतो। आणि मृत्यु झाल्यानंतर देखील त्याची जी सहकारी होती त्यांनी पृथ्वीची प्रदक्षिणा पूर्ण केली। म्हणजे पृथ्वीची प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी निघालेला पहिला व्यक्ती कोण आहे? फर्डिनांड
मैंगलेन जिसने अर्थ राउंड ए राउंड ए, तो अर्थ को हम एक राउंड मार के आएंगे, ये सोच के निकलने वाला फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्डिनेंड मैंगलेन। लेकिन उसकी फिलीपींस में ही डेथ हुई, लेकिन उसके जो साथी थे उन्होंने ये राउंड कंप्लीट किया। उसके बाद है सैमुअल डी शॉम्प्लेन, कौन है सैमुअल डी शॉम्प्लेन। सैमुअल डी शॉम्प्लेन ने क्या काम किया है, उसने मेन काम किया है एक फ्रेंच, ये फ्रांस से बिलोंग करने वाला था, याद रखो आगे इसका ये यूज होगा, फ्रांस से बिलोंग करने वाला था। उसने क्या काम किया है, कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका यूएसए के ऊपर, वहां पे उसने एक सिटी इस्टेब्लिश की है सैम्प्लेन शॉम्प्लेन ने, क्यूबेक सिटी इस्टेब्लिश की है क्यूबेक। और सेम टाइम नॉर्थ अमेरिका में उसने फ्रेंच वसाहत, उत्तर अमेरिके फ्रेंचांसाठी वसाहत निर्माण करण्याचं काम देखील कोणी केलंय, तर शॉम्प्लेन ने। मीन्स नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच कॉलोनी की फर्स्ट टाइम किसने स्टार्ट की है, सैमुअल डी शॉम्प्लेन ने। उसके बाद है टास्मन, जिसने एक बहुत बड़ा काम किया, क्या काम किया है टास्मन ने, न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड को किसने डिस्कवर किया है, टास्मन न्यूजीलैंड का शोध लावला है। और सेम टाइम इसने और एक बड़ा काम किया, ऑस्ट्रेलियाचा ईशान्य भाग शोधून काढलाय, ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्ट जो पार्ट है वो भी ढूंढ के निकालने का काम किसने किया है, तो टाइसन ने किया। उसके बाद है कैप्टन जेम्स कुक, नाम देखो कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन है मतलब वो शिप का कैप्टन है, क्या है कि कुकिंग का कैप्टन है, ये क्या है शिप का कैप्टन है जेम्स कुक। इसने क्या काम किया है, इसने मैप बनाए, नकाशे बनवले, लेकिन कौन से नकाशे या मैप बनाए, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक महासागरात जे बेटा है त्यांचे नकाशे बनले, पैसिफिक जो ओशन है वहां पे जितने भी आइसलैंड है उसके उसने क्या बनाया है, मैप बनाए। और एक क्या काम किया है, जो टाइसन ने न्यूजीलैंड ढूंढ के निकाला था वो वही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के रूलर के लिए कैप्चर करके वहां पे अपनी इंग्लैंड की कॉलोनी बनाई, क्या काम के लिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ताब्यात घेतले कोणासाठी, इंग्लंडच्या राजासाठी, आणि तिथे इंग्लंडच्या राजासाठी ताब्यात घेऊन तिथे इंग्लंडची वसाहत बनवली आहे, किसने काम किया ये, कॅप्टन जेम्स कुक। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें से कुछ नाम आपको याद आएगा, लुई एंटिनो बोगनविले, क्या नाम है देखो सुनो, लुई एंटिनो बोगनविले, इसने क्या काम किया है, ताहिती, क्या एक प्लेस का नाम है ताहिती, इस प्लेस को विजिट की बाद में इसी ने ताहिती विजिट की और इसने अपना एक क्या लिखा, एक बुक लिखी है प्रवास वर्ण ट्रैवलर्स लिखने का काम किया है, उसके ट्रैवलर्स का नाम क्या है, बुक का नाम वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड नाम का एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड बुक लिखा है, प्रवास वर्णन लिखे वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड। और इसी की हेल्प से बाद में फ्रेंच कंट्री यहाँ पे ताहिती में गई है, फ्रेंच मिशनरी स्पेसिफिकली, फ्रेंच मिशनरी ज्या धर्मप्रसादासाठी जात होत्या ताहितीला कोणाच्या मदतीमुळे गेल्या, वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड या पुस्तकाच्या मदतीने गेल्या, इसी वजह से वहां पे जो कुछ ऐसे दो ऐसे एक आइसलैंड है और एक फ्लावर है वेल कसे बेट आणि वेल त्यांना कोणाचं नाव दिलंय बोगनविले का नाम दिया है, जैसे मीन्स हमारे यहाँ पे बोगनविल नाम का एक वेल मिलता है ना हमारे कॉलेज में भी एंट्री में, वो बोगनविल किसके नाम से जाना जाता है, लुई एंटिनो बोगनविल, मरावे परिकीर्ति रूपी उरावे मराठी में कहा जाता है उसकी तरह। उसकी डेथ होने के बाद भी आज एक आइसलैंड और एक फ्लावर को किसका नाम दिया गया है, लुई एंटिनो बोगनविल। उसके बाद नेक्स्ट है मैंगो पार्क, नाम देखो इंटरेस्टिंग है मैंगो पार्क, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करने वाला था, उसने 1795 में 1795 में स्कॉटलैंड का मैंगो पार्क ने काय काम केले, नाइजर नदी का अभ्यास केला है, मीन्स क्या है नाइजर का जो रिवर है नाइजर रिवर की
स्टडी करने का काम किसने किया है? मैंगो पार्क, जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करने वाला है। यहाँ पे हमारे 13 फेमस संशोधक या रिसर्चर के बारे में लिख रहे हैं। पढ़ाई नाम एक बार फिर नाम पढ़ते हैं, मार्को पोलो, जिसने चीन और एशिया को विजिट किया, उससे चीनी और मंगोलियन लैंग्वेज नोन थी। उसके बाद इब्न बतूता, मध्ययुगीन प्रसिद्ध प्रवास, मेडिवल टाइम का फेमस ट्रैवलर, उसने इंडिया, चाइना, सुमात्रा, अफ्रीका को विजिट किया। उसके बाद हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल का राजपुत्र, पुर्तगाल प्रिंस, जिसने मेडोरा यानी एजोरम जो आइसलैंड उसको ढूंढ के निकाला। सेम टाइम गुलामान का व्यापार चालू करा, मीन स्लेव्स का ट्रेडिंग स्टार्ट किया। बार्थोलोम डायस, जिसने साउथ अफ्रीका के साउथ एंड को विजिट किए और उसे नाम दिया, किस नाम से जाना था, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद कोलंबस इंडिया के लिए निकला था, पहुंचा अमेरिका। उसके बाद अमेरिको वेस्पुची, जिसके नाम की वजह से अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है। उसके बाद वास्को द गामा, फर्स्ट यूरोपियन है जिसने इंडिया को विजिट किए 1498 में। कहाँ पे आया था? कालीकट पोर्ट में। वहां पे रूलर कौन था? जामोरिन, और वो फर्स्ट वाइसराय पुर्तगाल के। उसके बाद फर्डिनांड मैगोलिन, पृथ्वी पर प्रदक्षिण निकला होता, और उसकी डेथ कहाँ पे हुई है? फिलीपींस। उसके साथी ने उसकी ये ट्रिप कंप्लीट की है। उसके बाद सैमुअल डी शॉम्पलिन, जिसने कनाडा में क्यूबेक सिटी एस्टेब्लिश की है। सेम टाइम नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच कॉलोनीज भी स्टार्ट की। उसके बाद टास्मन न्यूजीलैंड को उसने डिस्कवर किया है। सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया का ईशान्य भाग में साउथ वेस्ट पार्ट ऑस्ट्रेलिया का ढूंढ के निकालने का काम किया है। कैप्टन जेम्स कुक, जिसने पैसिफिक ओशन में जो भी आइसलैंड बेटे वो ढूंढ के निकालने का काम किया है। सेम टाइम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कैप्चर किए, किस लिए? इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के लिए। उसके बाद लुई एंटोनियो बोगनवेल, उसने ताहिती को विजिट किए। उसकी फेमस बुक है वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड, जिस वजह से फेमस होने की वजह से उसके नाम की वजह से एक बेट वेल आइसलैंड एंड ट्रावल को नाम दिया। उसके बाद मैंगो पार्क, जिसने नाइजर रिवर का स्टडी किया 1975 को। अब इसके बाद लास्ट का पॉइंट हमारा बचा है, उसके बाद देखने जिसमें हमें देखना है सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिकल नेशनलिज्म। दो छोटे से पॉइंट बचे वो हम पढ़ेंगे अब। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ है? हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर को, जेम्स वैट ने क्या किया है? स्टीम इंजन बनाया है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिसर्च होने लगे जिसका यूज करके इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही स्टार्ट होता है उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे इंडिया पे होता है, वो यहां तक हमें पढ़ना है। और लास्ट में पढ़ना है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इससे पहले एक छोटा सा हमारे ब्रैकेट में अल बिरूनी, क्या पढ़ना है? अल बिरूनी। अल बिरूनी ने क्या काम किया है? अल बिरूनी कौन था? सुल्तान मोहम्मद गजनी का साथी था, जो गजनी के सुल्तान ने हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया था, तो इंडिया उसके साथ वही इंडिया में आया था। और उसने कुछ ऐसी बातें कही है जो अब फेमस है, जिसने कहा था अर्थ हमारी राउंड है, पृथ्वी गोला है। सेम टाइम पृथ्वी का व्यास मोड़ने का काम किया, मीन हमारे अर्थ की टोटल लेंथ काउंट करने का काम इसने किया। और उसके बाद पढ़ना है औद्योगिक क्रांति, मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें क्या है, इंग्लैंड में है स्टार्ट हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्यों? कि वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। सेम टाइम रिसर्च भी होने लगी है। और यहाँ पे जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होती है, मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें हेल्प होती है। कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, पहले भी इंग्लैंड में कॉटन बनता था, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने देखा है, शेल्टर फ्लैग मीन्स धावता धोटा, स्टीम इंजिन, ये बहुत सारी चीजें हुई। वहां पे क्यों डेवलप हुई? मशीनरीज बनने लगी, क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट था और कैपिटल भी इम्पोर्टेंट था। सेम टाइम माइंस भी थी, माइंस म्हणजे खाने, कशाच्या खाणी होत्या? आयर्न एंड कोल, म्हणजे लोखंडाच्या आणि कोळशाच्या खाणी तिथे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने की वजह से आयर्न इंडस्ट्री मतलब लोह उद्योग, सेम टाइम कॉटन इंडस्ट्री मीन्स वस्त्र उद्योग डेवलप है।
इसका इम्पैक्ट इंडिया में होता है। क्या इंडिया में इम्पैक्ट होता है? तो इंडिया में जो भी एवरी हाउस में कॉटन बनता था, इंडिया में ऐसे कॉटन का म्हणजे भारतात कापड कुठं बनवलं जात होतं, घरोघरी बनवलं जात होतं, वो कॉलॅप्स होने लगा। क्यों? क्योंकि इंग्लंड की कॉलनी इंडिया बन चुका है और इंडिया का इंग्लैंड का मटेरियल इंडिया में बेचने के लिए आ रहा था, उसके प्राइस लो था और कलरफुल भी कह सकते हैं। तो इस वजह से इंडियन कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे स्टॉप हुई और सिर्फ इंडिया से इंग्लैंड क्या लेके जाता था, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, क्योंकि रेडीमेड माल मटेरियल वो वहां से बना के इंडिया में बेचने के लिए जाता था। और इसके लिए हेल्प किसने की? रेलवे। इंडिया में रेलवे स्टार्ट हुई, इस वजह से छोटे छोटे सिटीज तक ये पहुंचना या विलेज तक पहुंचना पॉसिबल हुआ। इंडिया में रेलवे कब स्टार्ट हुई? 1853 में रेलवे स्टार्ट हुई, इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में भी हुआ है। और लास्ट का पॉइंट है आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद म्हणजे काय? आपल्या देशावर असलेले आपले अतीव प्रेम। राष्ट्रवाद म्हणजे मराठीत काय म्हणायचं? आपल्या देशावर असलेले आपले अतीव प्रेम। मीन्स नॅशनलिझम मतलब क्या है? हमारे कंट्री में हम जो प्यार करते हैं, हमारी कंट्री इंडिया है तो हमारी कंट्री के लिए हमारे जो रिस्पेक्ट है, जो भी फीलिंग्स है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। यहाँ पे एक वर्ड नेशनलिज्म कहा जाएगा, सेम यहाँ पे एक वर्ड ज्वाइन किया है, इकोनॉमिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म के अंडर क्या है? सिर्फ अपनी कंट्री की ग्रोथ के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? अपने ही कंट्री के ग्रोथ के बारे में सोचना, इसे कहेंगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्र, आपल्या देशाच्या विकासाचा विचार करणे, बाकीचा काही विचार न करणे, म्हणजे इन शॉर्ट स्वदेशी। आणि रिसेंटली वर्ड आपने सुना होगा आत्मनिर्भर, ये कंसेप्ट यहां से आता है। आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में। अब यहाँ पे इकोनॉमिक राष्ट्रवाद के, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद में क्या आएगा? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट प्रेफरेंस आवर कंट्री, पहला कौन सा गोष्टी का विचार करते हैं? आवर कंट्री, मैं आपल्या देशाचा विचार करायचा, स्वदेशी वापरायचं, मीन्स मेड इन इंडिया यूज करना। सेकंड और क्या करना है यहाँ पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म में? तो अनदर कंट्री पे, यहाँ पे ये कॉलोनीज का टाइम है, इंग्लैंड फ्रांस बहुत सारी कंट्री भी इंडिया में कॉलोनीज बना रही है, ट्रेडिंग करने के लिए बारे में सोच रही है, उस समय में ये स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे जो भी अपोनेंट स्पर्धक देश अस्तिल उनके मटेरियल के ऊपर बैन करना, क्या करना है? बैन, म्हणजे दुसऱ्या राष्ट्राच्या उत्पादनावर बंदी घालायची। सेम टाइम टोल लगाना, टैक्स लगवाना, टोल नाके उभारायचे, टैक्स लावायचे, जेणेकरून जिसकी वजह से अदर कंट्री से आने वाला जो भी मटेरियल है उसके प्राइजेस हाई हो सके। क्या हो सके? प्राइजेस हाई होना चाहिए जिस वजह से वो कोई खरीद ना सके, टोल टैक्स लगवा से। और ये भी इतना होता था, ये सब हो रहा है, फिर भी ये कॉलोनी वसाहत, इंडिया क्या है? वसाहत, कॉलोनी है, कॉलोनी होने की वसाहत या वसाहत होने की वजह से अब इंग्लैंड भी चाहता था, फ्रांस भी चाहता था, हॉलैंड भी चाहता था इंडिया में अपनी ट्रेडिंग कर। इनकी वजह से यहाँ पे कॉलोनी में जो भी कॉलोनी के लिए चाहते, कॉलोनी बनाना चाहते थे, उनके बीच इस वजह से वॉर भी होते थे, युद्ध होते थे, का तब जो यहां से जो रॉ मटेरियल के लिए और मार्केट के लिए, बेचने के लिए भी मार्केट चाहिए ना, वो उसकी वजह से और होते थे। और इसी के वजह से क्या होता था? तो ट्रेडिंग सेंटर कैप्चर करने के लिए वॉर होते थे, और इस वॉर से खापे होते थे इंग्लैंड और फ्रांस में, किस वजह से? मार्केट के लिए। और मार्केट कहा में
इंडिया में, और इसी वजह से साम्राज्यवाद यहाँ पे इन कंट्रीज में बढ़ते जाने लगा था, और जिसकी वजह से नेशनलिस्ट आर्थिक राष्ट्रवाद इंडियन नेशनलिस्ट को सॉरी आर्थिक राष्ट्रवाद एंड इकोनॉमिकल नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलने लगा। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट यूनिट खत्म होता है, जिसमें हम लास्ट में देखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति, आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिकल नेशनलिज्म। ओके, थैंक यू।